नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सर 123। टेक्निकल सर 123 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं शरण कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर 123। दोस्तों, YouTube ने गजब का जो है नोटिफिकेशन दिया है। अब आप जब अपने चैनल में सर्च करेंगे क्रोम ब्राउजर पर, जब मैनेज वीडियो और अपने चैनल को देखेंगे मोनेटाइजेशन पर क्लिक करके, तो आपके चैनल में जो है सब्सक्राइबर दिखाई देंगे और साथ साथ आपको वॉच टाइम भी दिखाई देंगे। तो इसमें एक और पॉइंट से जुड़ गया है, जो है कि आपके अगर चैनल में किसी प्रकार का स्ट्राइक है तो भी दिखाई देंगे। अगर आपके चैनल में स्ट्राइक है तो उस वीडियो को आप डिलीट कर सकते हैं और स्ट्राइक से बच सकते हैं और आपका चैनल में किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी और आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो ये जो थर्ड पॉइंट्स जो YouTube ने जोड़े हैं, ये बहुत ही अच्छी काम किया है, क्योंकि इससे नए यूट्यूबर को पता चलते रहेगा कि मेरे चैनल में कॉपीराइट स्ट्राइक है या नहीं। क्योंकि आपको पता है, अगर कॉपीराइट स्ट्राइक रहता है आपके चैनल में, तो आपका चैनल 3 स्ट्राइक आने के बाद आपका चैनल डिलीट हो जाएगा और आप अपने चैनल से कमाई नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आप जो इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, ये आपका मेहनत जो है बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो मैं ये पॉइंट्स जो जोड़े हैं YouTube, इसके लिए मैं थैंक्स YouTube को कहता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट जुड़ना ही था। क्योंकि नए यूट्यूबर को उतना पता नहीं रहता, उतने एक्टिव नहीं रहते, लेकिन पुराने यूट्यूबर को तो पता रहता ही है, क्योंकि उसको वर्क को धीरे धीरे करते रहते यूट्यूब के हर जो है टॉपिक्स को, ट्रिक्स को जान जाते हैं। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जो भी काम आप करते हैं धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस बढ़ते जाती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका नॉलेज होते जाता है और आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। लेकिन नए यूट्यूबर ऐसा गलती कर सकते, क्योंकि उसको जब अपने चैनल को क्रिएट करता है तो उसको बहुत सारे जो है चीज़ पता नहीं रहता है, धीरे धीरे उसमें वर्क करते जाते हैं और जानते जाते हैं। इसलिए ये यूट्यूब ने जो थर्ड पॉइंट्स जोड़े हैं स्ट्राइक वाले, ये बहुत अच्छी काम किए हैं, जो आप मेरे थंबनेल में देखे होंगे, सब्सक्राइबर, वॉच टाइम एंड स्ट्राइक का पॉइंट्स दिखाई दिया है। अगर उसमें है तो आपको दिखाई देगा, तो आप वहाँ से अपने चैनल को डिलीट करके बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर YouTube में सफल होना है तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक से बचना होगा, साथ साथ कॉपीराइट क्लेम से भी। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक है आपके चैनल में, तो धीरे धीरे आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। अगर चैनल का मोनेटाइज है तो डीमोनेटाइज हो जाएगा और आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, आप कमाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स है, इसके लिए मैं YouTube को फिर से थैंक्स कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप जो हम इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो अपने स्मार्टफोन से यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार गैजेट्स की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप मोबाइल फ़ोन से भी जो है इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। जब आप सीख जाएंगे, जब पुराने हो जाएंगे, जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो आप लैपटॉप ले लीजिए और लैपटॉप से अच्छे बनाइए और उसमें सेलेक्ट करना है आपको किस प्रकार चैनल बनाना है, किस प्रकार वीडियो बनाना है। तो शुरू में देखो किसी प्रकार की दिक्कत होती है, जैसे हमारे देश में यानी इंडिया में 8 नवंबर को जो है 2016 को नोटबंदी हुआ था, उसमें जब लोग बैंक के पास जो मनी निकालने जाते थे, पैसे निकालने जाते थे, कतार में लगना था, वो बहुत बड़ी लंबी लाइन होती थी। लेकिन नोटबंदी अभी क्या हुआ पता नहीं चला कि हमारे देश में नोटबंदी हुआ था, और देश में GST भी हुआ था और कितना हाहाकार मच रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, सब समान होंगे। उसी तरह अगर आप YouTube में काम करना चाहते हैं, तो पहले आपको तकलीफ झेलना पड़ेगा, पहले YouTube के बारे में जानना होगा, YouTube के रूल्स जानने होंगे, उसके गाइडलाइंस जानने होंगे। जब ये हर कुछ आप जान जाएंगे, तो आप एक सक्सेस यूट्यूबर बन सकते हैं और आपको डेली जो है एक वीडियो अवश्य बनाना है, क्योंकि इससे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती रहेगी और YouTube से आप कमाई कर सकते हैं। क्योंकि जितने सारे मैंने देखी, होता क्या है कि जितने सारे महापुरुष हुए या जितने सारे सफल व्यक्ति हुए, सबके पीछे एक कहानी है। बिना कहानी, बिना मेहनत, बिना कठिन का, क्योंकि
आप मेहनत नहीं हो सकते और आगे नहीं बढ़ सकते, सफल नहीं हो सकते। और YouTube में आपको कमाई करना है तो आप हमारे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो भी बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं इसी तरह कॉन्टेंट बनाता रहता हूँ। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।